यहाँ मेरे को सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि यहाँ ट्राइबल एरिया के अंदर माता पिता जितने हैं वो सारे अनपढ़ हैं, और जब मैं किसी बच्चियों को एडमिशन करवाने के लिए जाता हूँ तब मेरे को माताजी ये बोलती है, इन बेटी की जो पापा हैं वो पैसा लेके गया और मैं इसके कपड़े वगैरह कैसे लूँ, इसे ही मेरे को ये बड़ी कठिनाई होती है। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ और मुंह धोती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ, फिर झाड़ू निकालती हूँ और बर्तन धोती हूँ और रोटी बनाती हूँ, फिर तैयार होकर स्कूल आती हूँ, फिर छुट्टी होने के बाद फिर वापस घर जाती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ और रविवार को छुट्टी होती है जब लकड़ियाँ लेने जाती हूँ, लकड़ी बेचती, लकड़ी का कोयला बनाती, आंवला का पत्ता बीन कर सुखा कर बेचती, आंवला का पत्ता का किला का 2-3 रुपए देते हैं, कोयला का एक कट्टो भरते तो 20-30 रुपए देते हैं, थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो हमारे किताब लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, हमारी छोटी बहन है उसके भी कपड़े लेते हैं, किताब लेते हैं, उसके लेते हैं, स्कूल जाते हैं। अगर हर बच्चे और हर लड़की को अगर एजुकेशन मिलता है तो सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वो उसकी लाइफ में आएगा, उसके जीवन में आएगा, उसके परिवार में आएगा। जो महिलाएं और लड़कियां आजकल शिक्षा ना मिलने के कारण जो प्रॉब्लम्स उठाती हैं और उसका जीवन सबसे बेहतर बनेगा, और अगर सारी महिलाएं और लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होगी तो देश का विकास आसानी से हो सकता है। शिक्षा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अगर लड़कियां पढ़ लिख लेगी तो हर एक समय में आगे बढ़ पाएगी, वो हर एक समस्या को, आज की जो भी वर्तमान की समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान एक ही नज़र आता है, शिक्षा। शिक्षा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की क्रांति पूरे विश्व में चल रही है और इसी क्रम में भारत भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे अग्रणी आने चाहता है और शिक्षा के क्षेत्र से ही देश का विकास हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नौकरी मिलेगी, आंगनवाड़ी मिलेगी, मैडम बनेगी, डॉक्टर बनेगी, वो भी बड़ी होकर गरीब परिवार को होगी तो वो भी बड़ी बड़ी नौकरी करेगी, अपना घर का गुजारा कर चलाएगी। हम भी पढ़ लिख कर कुछ सीखेंगे फिर हम नौकरी करेंगे, बच्चों को टीचर बने तो बच्चों को सिखाएंगे, फिर वो भी आगे आगे सीखते जाएंगे।